उस चीज को कैसे महसूस कर लेते हैं जो एक आशिक तब महसूस करता है जब दिल टूट जाता है? मुझे लगता है कि संगीत हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर होता है। उद्योग कुछ मैदानी जिलों में ही सिमट के रह जाते हैं, उनका जो लाभ है वो पहाड़ों तक पहुंचता नहीं, पहाड़ तक वो यूनिट्स लगती नहीं जो पहाड़ के नेचर के उद्योग हैं। हमने उत्तराखंड के अनुकूल पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। देश में शायद रिकॉर्ड कोई राज्य होगा जिसने उद्योग का दर्जा दिया। राम तेरी गंगा मैली, राम लखन, राम लीला, तो क्या कारण है कि राम आपके रग रग में बसे हुए? आर रदा ए अली एम मुराद। नमस्कार, आज फेस टू फेस में हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पे उपस्थित हैं उत्तराखंड की एक ऐसी प्रतिभा जो जल्द ही न्यायिक क्षेत्र में अपनी न्यायिक सेवा के माध्यम से देवभूमि की जनता की सेवा करते हुए दिखाई देंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2018 बैच के लोक सेवा आयोग के उत्तराखंड यानी उत्तराखंड PCSJ की टॉपर जसमीत कौर की। आज जसमीत कौर जी हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सबसे रूबरू होंगी। किस तरह से उन्होंने ये सफलता पाई, कितना कठिन रहा संघर्ष का यह सफ़र और न्यायिक सेवा ही क्यों चुना उन्होंने, इन सब मुद्दों पे विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो PCSJ में जा के माध्यम से जा कर के देश की प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं किस तरह से वो तैयारी करें उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको ले चलते हैं जसमीत कौर जी के पास और पूछते हैं उनके इस सफ़र के बारे में और इस सफलता के बारे में। जसमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आपकी ये जो ग्रैंड सक्सेस है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्रथम प्रयास में आपने टॉप किया है, उसकी बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच। तो जसमीत जी, शुरू करते हैं आपके सफ़र के बारे में। ये जो सफलता का पहला पायदान आपने पार कर लिया है, सबसे जो महत्वपूर्ण पायदान होता है, आपको उस क्षेत्र में जाके सेवा करनी है। सबसे पवित्रतम पेशा, न्यायिक पेशा भी नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा न्यायिक सेवा का जो क्षेत्र है ये सबसे पवित्रतम होता है, क्योंकि न्याय देना ये ईश्वरीय कार्य माना जाता है। आपका चयन हुआ है तो किस तरह से आना हुआ इस क्षेत्र में और आपने न्यायिक सेवा का ही चयन क्यों किया? स्कूलिंग के बाद BLLB किया था, लीगल फील्ड में आई एंड लीगल फील्ड परस्यू करते हुए ये लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं सर्व कर पाऊँगी अपने नेशन को। अपने जो करियर जिसको मैंने इंटरेस्ट की वजह से चूज़ किया था उसको यूज़ करते हुए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है इससे एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो शुरू से आपका रुझान न्यायिक सेवा में ही जाने का था? जी, कभी प्रशासनिक सेवा में IAS, IPS, PCS जो सर्विसेज हैं देश की जन सेवा का जो अन्य माध्यम है उसकी तरफ भी कभी आपने देखा, कभी सोचा उसके बारे में? नहीं, मैं यही करना चाहती थी तो मैंने हमेशा इसी को परस्यू किया कि मैं जुडिशियल सर्विसेज में जाऊं। तो अब आप उसमें सिलेक्ट हो गई हैं और टॉप भी किया है, तो कैसा महसूस हुआ जिस दिन आपको इस परिणाम की जानकारी हुई कि आपने टॉप कर दिया है? परिणाम की जब जानकारी हुई तो बहुत खुशी हुई मुझे और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियलाइज़ हुई कि अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस चीज़ को हमें हमेशा डिग्निटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ हमेशा आगे बढ़ना है। देश में न्यायिक क्षेत्र में पहली जो महिला कही जाती हैं जो इस क्षेत्र में जिन्होंने कदम रखा, पूरा देश जो लोकप्रिय हैं, जिनको पूरा देश जानता है, वो फातिमा बीवी हैं जो अक्टूबर 1989 में सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स कोर्ट में जज बनी। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर बहुत सारी महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट और तमाम न्यायालयों में अपना योगदान दिया और अपनी अलग छवि बनाई। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों का पूरा पैनल है उसमें 3 महिलाएं जज हैं। तो आपको क्या लगता है, 1989 यानी 80 के दशक से बात करें, हम 2019 समाप्त होने जा रहा है, इन वर्षों के बीच में क्या ये महिला सशक्तिकरण का प्रभाव है कि महिलाओं का जो एक तरह से इसमें आने की जो संख्या है वो बढ़ी है, तो किस रूप में देखती हैं आप एक महिला कैंडिडेट के तौर पे? एक महिला कैंडिडेट के तौर पे हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है कि
अभी हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, तो प्रोग्रेस हो रहा है हर फील्ड में, बी इट जुडिशियल सर्विसेज या IAS हो, हर फील्ड में हम देखते हैं कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ आई वुड से हमारे नेशन के लिए एक गर्व की बात है कि हम प्रोग्रेस हो रहे हैं। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारे सामने आज का जो परिदृश्य है, महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार होते हैं और विशेषकर जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, हालांकि आप अभी उस प्रणाली से जुड़ेंगी, उसका हिस्सा बनेंगी, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर भी अगर हम आपसे पूछना चाहें कि जो महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार अभी भी होते हैं, इसको आप किस रूप में देखती हैं और क्या आपको लगता है कि आने वाला जो समय है वो कम से कम भारत, जिसको मातृ प्रधान देश भी कहते हैं, हमारे यहाँ माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि जो महिलाओं पे जो अपराध हैं उसमें कुछ कमी आएगी? महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं वो डे बाय डे हम कह सकते हैं कि और हीनियस होते जा रहे हैं, और मैं इसके लिए कहूँगी कि हमें किसी मॉडर्न कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है इसको रोकने के लिए। हमारा देश अपने आप में कल्चरली इतना रिच है, हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है कि हम महिलाओं को उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक मॉडर्न कंसेप्ट की ज़रूरत है। हमें बस अपने कल्चर को पहचानना है, महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है वो बहुत ज़रूरी है एज अ पर्सन भी और अपने नेशन के लिए। जसमीत जी, जब आप एक परीक्षार्थी के तौर पे प्रिपरेशन कर रही होंगी PCSJ की, तो बहुत सारा आपको गहरा अध्ययन करना पड़ा होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या है महिला अपराधों की, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसकी भी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं? जो जस्टिस, जिसे कहते हैं न्याय मिलने में जो विलम्ब होता है, जस्टिस डिलेड टू जस्टिस डिनेड का जो एक कहावत है, क्या आपको लगता है कि ये भी तत्व कहीं ना कहीं उस अपराध के पीछे है? अपराध तो जब क्राइम होता है सोसाइटी में, क्राइम हो जाने के बाद जो एक पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम रोल में आता है, उससे पहले तो कोई रोल रहता नहीं है। उससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स होते हैं, एंड उससे भी ऊपर मैं कहूँगी अवेयरनेस बहुत मायने रखती है। ये कई बार ही कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, विलम्ब हो जाता है केसेस के डिसीजन आने में। उसमें कई सारे फैक्टर्स ये भी रहे कि वैकेंसीज की कमी रही, बट अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि न्याय सही हो। उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हैं, उस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जस्टिस नहीं मिलता, जस्टिस मिलता ज़रूर है। इंडियन जस्टिस सिस्टम की बात करें तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगती है कि जो बेहद प्रभावी है, अगर पूरी दुनिया के जस्टिस सिस्टम से हम कंपेयर करें, तुलना करें? क्योंकि हमारे न्याय का एक उद्देश्य होता है, मॉरल है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या कोई ऐसा तत्व आपको अपने अध्ययन के दौरान इंडियन जुडिशियल सिस्टम में दिखाई दिया? इंडियन जुडिशियरी की जब मैं बात करती हूँ तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो 3 ऑर्गन्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, तीनों ही अपनी अपनी जगह अपना रोल निभाते हैं, बट जुडिशरी मैं कहूँगी इंडिपेंडेंट है, सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। आज भी जो देश की जनता है वो इस इंस्टीट्यूशन में बहुत विश्वास रखती है। तो ये आपको बहुत मोटिवेट करता है निश्चित रूप से। जब लोग सरकारों से, सरकार का जो सिस्टम है, जो एजेंसीज हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं, तो न्यायालय की तरफ ही देखते हैं न्याय पाने के लिए, और उनको प्रायः न्याय मिलता भी है। लेकिन एक और चीज़ देखी जाती है, जो हमारे लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, उसमें प्रायः चर्चा में रहता है कि जुडिशरी कहीं कहीं अतिशय सक्रिय हो जाती है। जो काम सरकार को करना होता है, प्रायः जुडिशरी उस काम को करते हुए दिखाई पड़ती है। इस पर भी कभी आपका ध्यान गया? जी बिल्कुल, जुडिशियल एक्टिविज्म की बहुत चर्चा रहती है। सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर कहीं भी कोई लेक्यूना होता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको फुलफ़िल करें।
अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, हम उन आइडियल्स पे को पूरा करें। और मैं कहूँगी कि उसमें जो कोर्ट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप एक न्यायाधीश के तौर पे काम करेंगी, तो क्या आपका मोरल क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा? एक न्यायाधीश के तौर पे आपका रोल मॉडल कौन होगा? एक न्यायाधीश के तौर पे मेरा लक्ष्य सबसे पहले तो यही होगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मुझे मिली है, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरी उतरूं, अपने जो इंडियन जुडिशरी है उसकी इंटीग्रिटी, उसकी डिग्निटी, उसको रख कर मैं आगे बढ़ूं। चलिए, बहुत सारी बातें हमने कर ली, आप जो अभी आपसे बहुत ज़्यादा संबंध भी नहीं रखती, क्योंकि आप उस क्षेत्र में जाएंगी तो शायद आपको उनका सामना करना पड़े, तब आपको उसका अनुभव होगा। इस प्रिपरेशन के दौरान ये सवाल मेरा उन बच्चों के लिए है जो न्यायिक सेवा में आना चाहते हैं, तो एक टॉपर के तौर पे आप अपने उस अध्ययन के दौरान जो आपने तैयारी की, प्रिपरेशन किया, कुछ चीज़ें डिटेल में थोड़ा बताइए जिसका लाभ हमारे दर्शकों को, ऐसे दर्शकों को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको हो सके। कि किस तरह से आपने तैयारी शुरू की, कब आपने मन बनाया और कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको, क्या दिनचर्या रहती थी, कितने घंटे पढ़ना पड़ता था, सोशल मीडिया पे कितना आप एक्टिव रहती थी, इसके बारे में कुछ बताएं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। इन दो चीज़ों के बिना सक्सेस आप अचीव नहीं कर सकते। तो और जब एक बार आप मन बना लेते हैं कि मुझे ये क्रैक करना है, इसमें सक्सीड करना है, तो फिर आपको सब कुछ भूलना पड़ता है, बी इट सोशल मीडिया, बी इट आपकी दिनचर्या। तो फिर इस चीज़ से डिसाइड होती है कि आज आपको अपना कितना सिलेबस कवर करना है या क्या टारगेट आपको अचीव करना है। मैं कहूँगी सभी से कि जब आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन को सिर्फ आँख दिखती थी चिड़िया की, तो वैसा आपका फोकस होना चाहिए। तो जसमीत जी, आज के समय में जब सोशल मीडिया का इतना घुसपैठ है व्यक्ति के जीवन में कि बिना उसके लगता है कि एक दिन अगर इंटरनेट न चले तो लोगों को लगता है कि जीवन ही ठप हो गया है, तो एक स्टूडेंट के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है इससे बचना? कभी आपके सामने भी कोई ऐसी चीज़ आई जो आपको फेस करनी पड़ी हो? सोशल मीडिया पे दोनों चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। वो एज अ स्टूडेंट, इनफैक्ट हर पर्सन को वो डिसाइड करना होता है कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वहाँ से, तो हम उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम शट डाउन कर लें खुद को सोशल मीडिया से, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो आपके ही हाथ में है कि आपको उसको पॉजिटिवली यूज़ करना है या आपको उसको टाइम कंज्यूमिंग बनाना है। जब आप पढ़ती थी, मतलब तैयारी करती थी, तो किस तरह से कितना देर आप पढ़ती, कितना टाइम लगता था पढ़ने में, और पढ़ाई के दौरान आप सिलेक्टिव पढ़ती थी या विस्तार से पढ़ती थी, या सिलेक्टिव पढ़ना भी ज़रूरी है? कुछ ऐसी भी टिप्स हो आप बताएं ज़रूर। जब प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हो तो पूरा सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं जिन पे फोकस ज़्यादा रहता है, बट आपको सभी कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ भी आप स्किप ना करें। तो कुछ ऐसे लेखक भी ज़रूर आपके इस प्रिपरेशन के दौरान आपके संज्ञान में आए होंगे जो कम से कम इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेहद मददगार साबित हुए होंगे, कुछ अगर ऐसे लेखक हैं तो ज़रूर आप बताएं। जी, बहुत सारी बुक्स हैं जो हम पढ़ते हैं, सभी एक्ट्स के लिए हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं। अगर मैं फैमिली लॉस की बात करूं तो आप सर मुल्ला की बुक्स हैं, वो रेफ़र कर सकते हैं, आप अवतार सिंह की बुक्स हैं, केलकर की बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, वेरियस राइटर्स की बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। कोचिंग और ट्यूशन की कितनी इसमें कितना कंट्रीब्यूशन, कितना योगदान होता है इस तरह के एग्जाम में, विशेषकर न्यायिक सेवा के? कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो गाइडेंस कई बारी आपको नहीं मिल पाती सही सोर्सेज ना होने की वजह से, तो कोचिंग आपको गाइड करता है। बट मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं
तो भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे बिना कोचिंग के सक्सेसफुल होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर हार्डवर्क दैट काउंट्स, तो वो आपको करना ही है. तो आपने भी कभी कोचिंग ट्यूशन कुछ इस तरह का किसी से गाइडेंस ली? जी, मैंने 1 ईयर पहले कोचिंग ली थी. तो वो कितना मददगार रहा? वो काफ़ी मददगार रहा, क्योंकि पता चलता है हमें कि किस पैटर्न पे हमें पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है. जनरली जब मैं PCSJ की बात करूँ तो सबसे पहला जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स का होता है. जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो तब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं. तो बच्चों का अप्रोच ये रहता है कि पहले फर्स्ट वाले एग्ज़ाम पे फोकस किया जाए. जब मैंने कोचिंग ली तो सबसे अच्छी गाइडेंस मुझे ये मिली कि नहीं, आप सबसे पहले मेंस से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो प्री अपने आप कवर हो जाएगा. तो वो मुझे बहुत हेल्प किया. वो जो प्रिपरेशन मेरी मेंस ओरिएंटेड थी उसने मुझे और बेटर मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प किया. तो जसमीत जी, आपने इस कंपटीशन में बैठने का फैसला तब किया जब आपको लग गया कि अब मैं प्रिपेयर हूँ और क्रिक कर सकती हूँ, इसलिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चूँकि आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या ऐसी कोई बात थी कि आपने पहले तैयारी की? अगर किया तो कितने साल तक किया, और कब आपको ये बात महसूस हुई कि भाई अब मुझे इसमें कम्प्लीट करना चाहिए? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उसके बाद यही एग्ज़ाम आया था उत्तराखंड. तो लगभग कितने साल का, 1-8 साल तो आपने किया? जी, 1 ईयर मुझे लग गया था प्रिपेयर करने में. 1 साल में आपने इसको क्रैक कर लिया? जी. दूसरी बात, अब आते हैं, जैसे बहुत बार लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसे कंपटीशन का प्रिपरेशन करना बहुत कॉस्टली होता है और जो गरीब तबके के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं. तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसी भी वास्तव में ऐसी चीज़ है क्या कि जो थोड़ा सा गरीब व्यक्ति है क्या वो कम्प्लीट नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति हैं तो वो कम्प्लीट नहीं कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए. उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये मिथ है, इट इज़ नॉट ट्रू. आपको ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ? जी. जब आप पढ़ती थी, मैं थोड़ा सा आपके बचपन में जाना चाहूँगा, इंटर और हाई स्कूल के दौरान, तो कब आपको ये लगा कि आपको न्यायिक सेवा में जाना चाहिए, और कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको पहली बार पता चला कि न्यायिक सेवा के लिए इस तरह का एग्जाम भी होता है, और न्यायिक सेवा है क्या? ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताएं, हमारे दर्शकों को इसका फ़ायदा होगा. लीगल प्रोफेशन में आने की प्रेरणा मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलती है. इसके बारे में अवेयर भी मुझे उन्होंने ही करवाया, और इस तरफ आगे बढ़ने के लिए मुझे मोटिवेशन भी उनसे ही मिली है. कितने भाई बहन हैं आप? एक छोटा ब्रदर है. क्या करते हैं? वो LLB कर रहे हैं. तो उनका भी रुझान है न्यायिक सेवा की तरफ? न्यायिक सेवा की तरफ तो नहीं, हाँ, बट उनका रुझान एडवोकेसी की तरफ ज़्यादा है. जसमीत जी, आपने एक बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अब आप अपने जीवन के एक नए क्षेत्र में जाएंगी, अपना योगदान देंगी. प्रायः हम अपने पत्रकारिता क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे IAS अधिकारियों को, PCS अधिकारियों को देखते हैं जो समय निकालते हैं समाज में अपना योगदान देने के लिए. तो कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना और जो खाली समय उनका होता है, खाली समय तो खैर होता ही नहीं लेकिन फिर भी वो समय निकालते हैं. तो क्या आपको लगता है कि कभी आपके मन में भी ऐसी कोई बात उठे कि भाई मुझे ये सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भविष्य में कुछ ऐसी करती हुई दिखाई देंगी जस्टिस जसमीत कौर? जी बिल्कुल, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज है, तो हमें वो शेयर करनी चाहिए. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न कि हम जितनी भी हम हो सके हम अपने पार्ट पे उतनी हेल्प करें. आपको इतनी कम उम्र में पहले प्रयास में एक बड़ी सफलता मिली, अगर इसका श्रेय देना हो तो किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो ईश्वर को ही जाता है, एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स को जाता है. मेरे पेरेंट्स, जितना हार्डवर्क मैंने किया है मेरे साथ साथ उतना ही हार्डवर्क मेरे पेरेंट्स ने किया है. हमारे ऐसे दर्शकों को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको PCSJ 2018 की जो टॉपर हैं वो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आप हार्डवर्क कीजिए. आप कोचिंग करते हैं या नहीं वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है. उसको ऐसे मत सोचिए कि हम कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से तो आप नहीं कर पाएंगे. अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा.
किसी भी पॉइंट पे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जस्मी जी, आप हमारे शो में आई, अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने अनुभव शेयर किए, अपनी प्लानिंग भी बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड PCSJ 2018 बैच की टॉपर जसमीत कौर, जिन्होंने विस्तार से अपने सफ़र के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की और पहले ही प्रयास में उनको सफलता मिली तो उनको क्या महसूस हुआ। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगे चल करके वो किस तरह से अपनी इस जॉब की जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखेंगी और समाज के प्रति जो उनका धर्म है, जो योगदान के तौर पे, उसे भी पूरा करेंगी। अगले सप्ताह हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस। उस चीज को कैसे महसूस कर लेते हैं जो एक आशिक तब महसूस करता है जब दिल टूट जाता है? मुझे लगता है कि संगीत हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर होता है। उद्योग कुछ मैदानी जिलों में ही सिमट के रह जाते हैं, उनका जो लाभ है वो पहाड़ों तक पहुंचता नहीं, पहाड़ तक वो यूनिट्स लगती नहीं जो पहाड़ के नेचर के उद्योग हैं। हमने उत्तराखंड के अनुकूल पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। देश में शायद जिसका कोई राज्य होगा जिसने उद्योग का दर्जा दिया। राम तेरी गंगा मैली, राम लखन, रामलीला, क्या कारण है कि राम आपके रंग रंग में बसे हुए हैं? R. Raza A. Ali M. Murad।